मजा आ गया आज। देखी तुमने उस अरिजीत की शक्ल, कैसे उसकी हवा टाइट हो गई थी, बहुत मजा आया। सुनील, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। एक मिनट, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? देखो, तुम मुझे अकेला छोड़ के क्यों आ गए यहाँ पे? मैं तुम्हें कितना मिस करती हूँ। और ये बताओ, ये तुम मेरे फोन क्यों नहीं उठाते हो? इसलिए मैंने सोचा मैं तुम्हें मिलने आ जाती हूँ। बता, मेरा सरप्राइज कैसा लगा? आई नो बेबी, और तुम मुझे यहाँ देख के बहुत खुश हो। आई मिस यू सो मच। एक्सक्यूज मी, कोई बताएगा मुझे यहाँ चल क्या रहा है? हाँ, कौन है ये लड़की और इसे कैसे पता कि तुम यहाँ हो? हाय, आई एम तारा, सुनील्स गर्लफ्रेंड। और वैसे हम 3 साल से साथ में हैं, अब तो हम जल्दी शादी भी करने वाले हैं, है ना सुनील? क्या बोल रही है ये लड़की? हाँ, ये सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तुमने इतनी बड़ी बात बताना मुझे जरूरी नहीं समझा? हाँ, ये सब जानते हुए इसे यहाँ का एड्रेस दिया कि हम? लिसन, अंदर चल के बात करते हैं। आओ आओ तारा, अंदर आओ। यहाँ रहते हो तुम? तुम बैठो यहाँ पर आराम से, मैं पानी लेके आता हूँ, ठीक है? तुम पहले मेरे साथ आओ। क्या चल रहा है? कौन है ये लड़की और मुझे इसके बारे में कुछ क्यों नहीं पता? Can you explain why? तुम्हारी बीमारी के चलते कैसे बताता मैं, और फिर अचानक से जीजू गायब हो गए, और मैं तुम्हें कोई टेंशन नहीं देना चाहता था नताशा, समझो मेरी बात को। अब मुझे लगा कि जब सब सही हो जाएगा मैं सब कुछ बता दूंगा तुम्हें। अरे पर इसे एड्रेस देने से पहले एक बार हमारे प्लान के बारे में सोच तो लेते। अब इसके यहाँ जाने से पता नहीं कौन सी नई मुसीबत आ जाएगी। डोंट वरी, मैं तारा को देखता हूँ, ठीक है? लिसन, इस लड़की को अरिजीत, शार्दुल और हमारे पैसों के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि हमारे पैसों पे किसी और की नजर पड़े। और हाँ, जितना जल्दी हो सके ना इसे मुंबई वापस भेजो, क्योंकि हम अपने डायमंड्स और पैसों के बहुत करीब हैं। कहीं तुम्हारी ये तारा हमारा प्लान ना बिगाड़ दे, समझे? वाओ, रूम तो बहुत अच्छा है, एकदम राजा महाराजा जैसा। ओ हेलो, मेरे रूम में क्या कर रही हो? एक्चुअली मैं सोच रही थी कि ये कमरा इतना अच्छा है, क्यों ना मैं और सुनील यहाँ रह लें, आप बाहर सो जाइए। आई मीन, हम दोनों इतने दिन बाद मिले हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्या बेवकूफों जैसी बात कर रही हो? एक तो मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, ठीक है? दूसरा, तुम मेरे घर पे बिन बुलाए मेहमान हो और मुझे मेरे ही कमरे से बाहर निकाल रही हो। How dare you? नताशा, प्लीज मैं देखता हूँ, प्लीज। तारा, प्लीज 2 मिनट बाहर चली जाओ, मुझे नताशा को जरूरी बात करनी है। मुझे ये बताओ कि ये लड़की अभी तक यहाँ क्यों है? मैंने कहा था ना इसे बाहर निकालो। एक्चुअली एक प्रॉब्लम है। अब तुमने क्या कर दिया सुनील? एक्सक्यूज मी, आप मेरे बॉयफ्रेंड से ऐसे चिल्ला नहीं सकते हो। हमारी बातें सुन रही थी चुपकर। हाँ तो आपको पता भी है कि कितना अकेला पड़ गया था? कुछ समझ में नहीं आ रहा था इसको कि किससे बात करे, किससे अपनी प्रॉब्लम शेयर करे। फिर उसने मुझे फोन किया, सब कुछ बताया मुझे, और फिर मैं फौरन आ गई अपनी बेबी के लिए, क्योंकि मैं अपने बेबी को टेंशन में देख ही नहीं सकती, है ना बेबी? प्लीज, मैं बात कर रहा हूँ ना मैं। हाँ तारा, तुम जरा बाहर जाओ, मुझे मेरे भाई से बात करनी, अकेले में।
हो क्या गया है सुनील? हाँ, अरे तुम्हारी छोटी सी बेवकूफी की वजह से हम इतनी बड़ी मुसीबत में आ गए हैं। हाँ हूँ बेवकूफ मैं, तुम्हें नहीं पता कितना कितना डिस्टर्ब चल रहा हूँ मैं। तुम्हारी हेल्प करने के लिए मैं मुंबई से दिल्ली आया और मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा। एक दिन में लाइफ चेंज हो जाएगी मेरी। ओके ओके, काम डाउन। हाँ काम डाउन। मुझे ये बताओ कि तुमने इस तारा को हमारे बारे में क्या क्या बताया, क्योंकि अगर तुमने डायमंड्स और पैसे के बारे में तारा को कुछ भी बताया ना सुनील, तो मैं तुम्हें अभी इसी वक्त मार डालूंगी। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैंने डायमंड्स और पैसों के बारे में कुछ भी नहीं बताया। उसको सिर्फ ये पता है तुम अरेस्ट थी और मुझे कोई ब्लैकमेल कर रहा था, बस। और कुछ नहीं पता, मेरा यकीन मानो, कुछ नहीं पता उसको। ठीक है, तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ रह सकते हो मेरे कमरे में। जाओ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाके बैठो, एटलीस्ट मैं अभी तो मेरे कमरे में आराम कर सकती हूँ ना। तुम लोग रात को शिफ्ट हो जाना। बेबी लिसन टू मी, कुछ ही दिन की बात है ये, और जब तक कोई अरेंजमेंट नहीं हो जाता तुम यहीं पर रहोगी। यू नो ना यार, वहाँ पर दो से ज़्यादा लोग नहीं रह सकते, और उसने मुझे और दी को ही फ्लैट रेंट पे दिया है, समझो ना प्लीज। पर बेबी मैं तो यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ ना। आई नो, एटलीस्ट तुम मुझे मिलने तो आओगे ना। हाँ हाँ जरूर मिलने आएगा सुनील, अभी चले, और भी बहुत काम है। बॉस, बॉस ये हमारे घर पे अकेली रहेगी? बॉस मुझे तो ये झमेले वाली लगती है। सुनील तुम बार बार आओगे जाओगे, बार बार क्यों ऐसा कर रहे हो तुम? मतलब यहाँ से जाओगे आओगे, टाइम वेस्ट होगा ना उसमें। एक काम करो, तुम भी यहीं रुक जाओ, वो बेचारी तुम्हारे लिए इतने दूर से आई है ना पिटारा, सॉरी तारा। एक्सैक्टली, हाँ। सो स्वीट, सी। और वैसे भी नताशा तुम्हारे फ्लैट ओनर को प्रॉब्लम है ना एक एक्स्ट्रा मेंबर से, तो एक मेंबर अगर कम हो जाएगा तो उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसे। हाँ, और वैसे भी मुझे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बिकॉज मैं घर में ज़्यादा देर रहता नहीं हूँ, तो बेचारी अकेली पड़ जाएगी, तो तुम यहीं रुक जाओ। और तुमने कहा था ना इसका ध्यान रखने वाला कोई चाहिए यहाँ पर। बिल्कुल, रह लो सुनील, तुम भी यहीं रह लो। यस बेबी, प्लीज प्लीज प्लीज। सो स्वीट ना, नाइस कपल है। अरे बेबी, सॉरी भुवन जी, गेस्ट रूम तैयार करो कपल के लिए, आइए। नताशा, ये लास्ट टाइम है मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, अगली बार से ऐसा कुछ किया ना तो याद रखना। तुम अपना काम अगर वक्त पे करते ना तो ये नौबत ही नहीं आती। हाँ हाँ हाँ, तेरे शार्दुल को तेरे पास लाकर दे दूंगा मैं, और फिर तेरी ये नौटंकी वाली जो गैंग है ना उसको लेके रफा दफा हो जाना यहाँ से। ओ हेलो, मुझे भी यहाँ रहने का ना कोई शौक नहीं है, सिर्फ शार्दुल की वजह से सब सह रही हूँ। ये क्या है, ये सब क्या है? ये किसी पुलिस वाले का घर है, किसी क्रिमिनल का? बोलो ना, क्यों नहीं बोल रहे, बोलो। ये तो मुझे कहाँ लेके आए हो? ये कौन लोग हैं जो अपने घर में हैंडकफ्स रखते हैं? What happened? बोलोगे कुछ? Listen, जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। Relax. नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना। In fact, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। And I'm not sure कि अरिजीत किस टाइप का इंसान है। हाँ, मैं नहीं रहूँगी। चलो। लो, संभालो इस मुसीबत को अब तुम। Excuse me. एक मिनट, ये आपको कहाँ से मिले? रोज कबर से मिले। ओ अच्छा, ये यहाँ थे और मैंने घर में ढूंढ रहा था, चलो अच्छा हुआ मिल गए। आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अरे ये असली नहीं है, वो नकली वाली है, वो खिलौने वाली। वो क्या है ना, मेरा बेटा है तो उसे चोर पुलिस खेलना बहुत पसंद है, तो ये उसी के है। भगवान, बच्चों के साथ ऐसे चोर पुलिस वाले गेम मत खेलो। हाँ, मैंने फेंक देता हूँ। सी, देखा बेबी, बोला था ना मैंने, तुम एवी टेंशन ले रही हो। बैठो इधर आराम से, काम डाउन, गुस्सा शांत करो और मुझे बताओ खाने में क्या खाओगी। ये क्या है, तू ये कैसे बोल सकता है?
वो लड़की ने बवाल मचा दिया। सॉरी बॉस, पता नहीं कैसे मैं भूल गया इसे। अब जाके फेंक इसे। जी बॉस, जाता हूँ। अरे अरे अरे, ऐसे कैसे फेंकते? इसे संभाल के रखो, शार्दुल को किडनैप करने के काम आएगी। वैसे वो तारा तो डम है, इसलिए तुम्हारे झूठ को सच मान गई। पर मैं तो अच्छे से जानती हूँ कि तुम दोनों कितने पहुंचे हुए क्रिमिनल्स हो। आई एम श्योर वो रूम और ये हथकड़ी, पता नहीं कितने लोगों को किडनैप किया होगा तुम लोगों ने। अरे तो फटाफट एक क्राइम और कर दो, उठा लो शार्दुल को। एक बार मेरा काम हो जाए तो मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी। हो जाएगा, अब गेट आउट हो जाओ यहाँ से। पता नहीं मेरे घर को किसने किसने धर्मशाला समझ के रखा है। जो भी हुआ मुंह उठा के आ गए। देखो अभी तुम अगर यहाँ से नहीं गई ना तो मेरे हाथ से सच में एक क्राइम हो जाएगा। ओ कम ऑन, इतने बेवकूफ तुम हो नहीं वैसे जितने दिखाई देते हो। रियली? या रियली? थैंक्स। वैसे इतनी बड़ी गलती तुम कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हारे सारे काले चिट्ठों के सबूत हैं मेरे पास। So I know, मुझे हार्म करने के बारे में तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। तो अरिजीत, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि मेरा काम जल्द से जल्द हो जाए। वैसे तारा नाम का टिकिंग बॉम्ब छोड़े जा रही हूँ तुम्हारे पास, उसके फटने से पहले मेरा काम हो जाना चाहिए। अंडरस्टैंड? हो गया कि 4-5 घंटे और बोलने का इरादा है। गेट लॉस्ट। मोहन, मन करता है कि सबसे पहली गोली इसे मारूं। पॉज पॉज पॉज, प्लीज बॉस, काम डाउन। क्या काम डाउन? पहले फेंक इसको। जी बॉस, मैं जाता हूं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।